लिबरल टीवी लोकां दी आवाज लोकां ले। अकाली दल दे उगे आगू विरसा सिंह बलटोहा ने अज बयान जारी किया। उन्होंने अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं एक अपील की है, जिस दे विच ओह कहिंदे ने कि हरप्रीत सिंह हुणी अकाल तख्त तो एक हुक्मनामा जारी करन, जिस दे विच 84 सिख कतलेआम के दोषी ज्ञानी जैल सिंह ते नाल दी नाल गांधी परिवार नूं सिख कौम का दुश्मन करार दे दिता जाए। सो वड्डी खबर है इस वेले दा वड्डा बयान विरसा सिंह बलटोहा वल्लों जारी किया गया। ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं उन्होंने अपील की है कि अकाल तख्त तो एक हुक्मनामा जारी करके गांधी परिवार अते ज्ञानी जैल सिंह नूं 84 सिख कतलेआम वास्ते सिखां दा दुश्मन करार दे दिता जाए। दस दिए कि 1 जून तो लैके 7 जून तक जिहड़ा हरिमंदर साहिब दे उत्ते भारतीय फौज वल्लों हमला किया गया सी, जिस दे विच कई लोग शहीद होए सी, उस दा हुण काला हफ्ता जिहड़ा ये मनाया जा रहा। सिख संगत वल्लों इस वेले शहीदां नूं नतमस्तक हो के प्रणाम किया जा रहा, तो एक बार मुड़ तो भारत सरकार तो इंसाफ की मंग की जा रही है। हुण विरसा सिंह बलटोहा का कहना कि 84 जून नूं अज 37 साल हो चुके हैं, पर इस तरह ही ये मसला जिहड़ा चलता नज़र आ रहा, तो अज तक इंसाफ नहीं मिलिया। कई जज आए, कई केस होए, कई सरकारां बदलियां, पर जिहड़े 84 दे शहीद ने उन्हां नूं अज तक इंसाफ नहीं मिलिया, दोषियों नूं अज तक सज़ा नहीं मिली। सो जिसते चलदियां हुण उन्हां ने कहा कि सिख नौजवानों दे विच सिख संगत दे विच भरपूर रोस है, इस दे लई हुण अकाल तख्त नूं इह जिम्मेवारी लैणी चाहीदी है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं विरसा सिंह बलटोहा ने अपील की है कि अकाल तख्त तों एक हुक्मनामा जारी करके गांधी परिवार ते नाल दी नाल ज्ञानी जैल सिंह नूं सिख कौम का दुश्मन करार दे दिता जाए। सो इस मसले के उत्ते अक्सर ही विवाद होंदे नज़र आउंदे ने, लगातार बयानबाजी भी वख वख सियासी आगू वालों की जाती है, पर यह भी दोष एक तबके के लोगों वालों लाए जाते हैं कि यही वो सियासतदान ने जिन्हां दे हाथ में सत्ता ये 37 दे 37 साल रही है, कदे किसे धिर कोल ते कदे किसे धिर कोल। हुण जे एक धिर भी इमानदार हुंदी सिख कौम नूं लै के ते अज तक 84 दे कतलेआम दा इंसाफ मिल जांदा, पर जदों वोटां दा समें नेड़े आ जांदा जिवें कि हुण 2022 विधानसभा चोणां नेड़े आ रहियां ने, तां उदों अजिही बयानबाजी करनी शुरू हो जाती है सियासी आगूआं वल्लों। सो इस सब दे चलदिआं ही हुण विरसा सिंह बलटोहा वल्लों इस वेले दा वड्डा बयान आया। उन्होंने अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह एक गुजारिश की है कि अकाल तख्त तो हुक्मनामा जारी करके ज्ञानी जैल सिंह ते गांधी परिवार, जिस दे विच राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ते होर समूह गांधी परिवार आउंदा, उसनू सिख कौम का दुश्मन करार दे दिता जाए। सो पहले ही पंजाब विच तनावपूर्ण हालात बने हुए ने, लगातार विवादक बयान सियासी आगूआं वल्लों सामने आ रहे ने। विरसा सिंह बलटोहा 84 जून वेले उस समय हरिमंदर साहिब दे विच जरनैल सिंह भिंडरांवाले दे नाल भी सी, बाद दे विच जदों आर्मी एक अनाउंसमेंट करती है भी जिहड़े लोग खाड़कू सिंघां दे नाल नहीं ओह हाथ उपर करके बाहर आ सकते हैं, तां विरसा सिंह बलटोहा ते होर सियासी आगू हरमिंदर गिल ये हाथ खड़े करके हरिमंदर साहिब दे विच्चों बाहर आ जाते हैं। तो अज विरसा सिंह बलटोहा ने बयान दिता कि हुक्मनामा जारी करके ज्ञानी जैल सिंह ते गांधी परिवार नूं सिखां दा दुश्मन करार दे दिता जाए। इस बयान दे उत्ते तुसीं अपने विचार कमेंट सैक्शन दे विच सांझे कर सकते हो। देखते रहो लिबरल टीवी पंजाबी, लोगों की आवाज़ लोगों लई। लिबरल टीवी पंजाबी।